आपका भाई आजाद दुन। गला तो फोन आ रहा है, काट के नहीं न्योका की 5 किलो चीनी लाइए। कलात नरवाना कैथर कुरुक्षेत्र के इलाके के लोग यहाँ बैठे हैं। कलात की बोली का नारा स्वाद है, कलात की छोरी में शहर में गई गई पुलिस ये गला गई गई जान तो छोड़ रहे मतलब बेटा ये रूम टेनियो जो पार्टनर चाट रखी छपाई के सिकरी का एक बूढ़ा कल बंसी ग्रेड़ा फुल्लू वाला मोनो एक्टिंग देख खड़ा रहा। सांझ ने मैं जाट कर सलाम पहुंच गया। नवला बता रही मोनो एक्टिंग तो ठीक, बोला एक बात नहीं समझ में आई, बोला ये छोरे छोरी बीड़ी बीड़ी पैंट पा रहे कुकर पा रहे हैं। मैं बुलाता हूं मरना तो बेरा नहीं तो ऐलान ताजा नवरा बच्चा है तो गेड़ी के सीमा नहीं ताती करके चढ़ा संस्कृत के संस्कार बदलते जान लाग रहे हैं। छोरा और छोरी का बेड़ा नहीं पाटने लाग गया। मारा गांव का दुआना पूरा आपा पेंशन करा गया। समाज कल्याण विभाग में निरीय लोग आई नवरा बेबे पेंशन करवानी थी, रंड आदमी पेंशन करवानी थी। अगले लोग आई छोरी ने जाओ मिस सुनीता के पास फॉर्म जमा करा दो। पूरा गया नवला बेबे मिस सुनीता कुंशी बोला तो आप मिसेस मुकेश के पास जाओ। उनका अफसर ना आके नवला रब न्यू तो बताए दे मिस्टर मिसेस मुकेश करते हो। नवला तो ऐसा है जो ब्याह रखी हुए मिसेस और जो नी ब्याह रखी हुए मिस। बोला ठीक कोई जरूरत नहीं आप भी पेंशन नहीं बनवाती। लकी बात बोला मुझे एक बात का मेरा बैठ क्या किमे किमे तो सही लके है ना बता दे देता हूं। बोला मैं पेंशन नहीं बनवाता मैं भी बेमिसी रह रहा हूं। केड़ी और बोलने के तरीके बदलते जान लाग गए। आज मेरी बहनों मेरी बेटियों पढ़ा रहा छोरियों पहले गांव की छोरी लगाई बहुत सुखी गीत गा कर दी हरी ने बोला कच्ची कली अनार की गुलकंद बनूंगी। कच्ची कली अनार की गुलकंद बनूंगी बोला छोरी किसे खांसी वाला बुढ़ा ना था ये जान पर गए हमें अच्छे गीत गाने चाहिए हमारी संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं। मामा भी अंकल फूफा भी अंकल देखिए मामा भी अंकल फूफा भी अंकल कॉलेज के प्रोफेसर साहिबान बैठे हैं बुरा मत मानना। कॉलेज से जब जाएंगे तो उनकी श्रीमती ने कही बेटे पापा को पूछना चाय बनाए कि ना बनाए तेरा पापा की छोरा का पापा ऐसा नहीं हो रहा शॉर्टकट बोलने लाग रहे हैं। मारा काम में एक नई मास्टरनी आई मारा गांव में एक नई मास्टरनी आई नया थानेदार नई बहू नई मास्टरनी नया लेक्चरर कई दिन धरती का त्याग रहे हैं। गांव के सारे छोरे दबा दिए जो नहीं आके नहीं आ रही। मारा मोला लड़ंडा पहुंच गया वह गांव में नई मास्टरनी आ रही है सारे छोरे की नौकरी छुट्टी कर दी जाए के ना क्या हो नौला बेटी के दिक्कत है बोला ताऊ ये तेरे सारे गांव के छोरे नागे नहीं आते इनमें तो बांस आवे है रंडा था बोला बेटी पढ़ाना आग रख सुंगड़ आग रहे
चीजें बदलती जा रही है, खान पान के तरीके बदलते जाने लग रहे हैं। साथियों, अशाने के साथ साथ मैं रोवाना भी जानू, एक चीज गलत छोड़ के जाकर सोचने को मजबूर करके जाऊंगा। परम आदरणीय सुधीर शर्मा जी, डॉक्टर कमलेश जी के नाम से जोरदार तालियां। महान शख्सियत के तौर पर, ऐसी महान शख्सियत है जिन्होंने हरियाणवी संस्कृति को सहेजा है, पिरोया है, और मैं बड़ा गर्व मानता हूँ कि 93 में रक्षा गुजरी उत्सव में जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज का विद्यार्थी था, आपके पदचिन्ह पर चलते हुए अच्छा प्रयास किया है। साथियों, महिला विरुद्ध अपराध की बात, ये तो टिल की मारा है नहीं, अरे ओ मैं भी उड़े हूं तम भी उड़े हो, ध्यान ही रहा नहीं था अंधेरे छोड़ गेट पे गल की मार गया होगी। आप सुथरे काम करोगे, कड़िया कड़िया तरा भाई सूच बैठा देगा, पहला पैरा में खड़े और फिर पटना में खड़े कर दूंगा मेरे भाई। नहीं तो युवा बयान माटी होगी जुगर फूटे ढूंढा में टोल जाएंगी वहां पर। गंभीर बात की ओर लेके जाऊंगा, गंभीर बात की ओर लेके जाऊंगा, फोन बंद कर ले भाई, गंभीर बात के जाऊंगा। मरवा भी सकू हूं, आजकल महिला विरुद्ध अपराध सोचने का मजबूर करिए। इशार बैठ सड्डी पर रोड़ा होगा, ए बैठ जा बे बे गणी खेल की तम भी मरवाओ हो। किसी किसी की मिस का लाजे सारे बालक बाहर लेकर के चले जाए, इस हर अड्डे पर रोड़ा होगा, ध्यान दीजिएगा, इस हर अड्डे पर रोड़ा होगा, हर पीछे मांगने वाली टोली के छोरा हो गया। फांसी को न्यार है, इस हर अड्डे पर रोड़ा हो गया, पीछे मांगने वाली टोली के छोरा हो गया। कट्ठी होगी सारी सवारी, भीड़ होगी बारी, एक जना नंगला रहे तो कुवारी थी, एक जना निकलिया यह तो कुवारी थी, दूसरा निकला यह तो लाचारी थी, यह तो बेचारी थी, यह तो लाचारी थी, दूसरा निकला एक वैसी की नीत डिगी और किसी दरिंदे की भेंट इस बोड़ी की जिंदगी चिड़गी। तालियां चाहूंगा आपसे। एक वैसी दरिंदे की नीत डिगी, भीड़ ने देख के हरियाणा पुलिस की जिप्सी आ गई, भीड़ ने देख के हरियाणा पुलिस की जिप्सी आ गई और खाकी वर्दी पहरे थानेदार में देख के पोड़ी की आंख पत्थर आ गई। भीड़ ने देख के हरियाणा पुलिस की जिप्सी आ गई और खाकी वर्दी पहरे थानेदार में देख के पोड़ी की आंख पत्थर आ गई। बोड़ी की हालत में देख के थानेदार ऊपर तला दिखाओ था और नन्हा बालक गुंठे चुस चुस के इस जमाने में आईना दिखाओ थे। भीड़ ने देख के हरियाणा पुलिस की जिप्सी आ गई और बोली की हालत ने देख के थानेदार की आंख पथरा गई। बालक खाकी वर्दी पहरा थानेदार ने बुलाए, बेटी धर्म की जाई, बता ये पाप कितने है। खाकी वर्दी पहरे थानेदार ने कहा, ए मेरी धर्म की जाई, बताई पाप कितने लाई। बोली ना होश आया, थोड़ा हशर पाया, मात पिता ने करे जुलम में कूड़े बीच बगाई, मात पिता ने करे जुलम में कूड़े बीच बगाई, और नहीं फेंकड़िया था मेरी फेंक की जन्नी माई। थानेदार जी, कुत्ते बिल्ले अर बांधराते मेरी राम ने जान बचाई, पर दो पैरों वाले कुत्ते बिल्ले पे नहीं बच पाई, दो पैरों वाले कुत्ते बिल्ले पे नहीं बच पाई। गंभीरता का विषय है, अखबारों में चटकारी लेके खबरों को पढ़ते हैं, शालीनता शिक्षा संस्कृति और संस्कार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का रत्नावली समारोह इसी तरीके से जारी रहे। एसआर फुहारा चौक पर एक बुढ़िया लाल बत्ती क्रॉस कर गई, लाल बत्ती क्रॉस कर गई, हरियाणा पुलिस का हेडकांस्टेबल पासे चुकड़ी पकड़ ली, रीताई मैं इतने बार बार इशारे कर रहा, सीटी मार लाग रहा, तो रुकी नहीं, बढ़िया पछाड़ लगा के रे बेटा, मेरी सीटी सुनने की उम्र है, जब तक ताऊ और सीटी मारा करते मैं खड़े ब्रेक गड्ढा कर दी।
साथियों, कुछ बातें कहने के लिए, हालांकि आकाशवाणी पे आपसे मुलाकात करते रहते हैं, बहुत हंसने हंसाने का काम आपके बीच करते हैं, मैं बहुत खुश हूं, बहुत प्रसन्न हूं। मेरे इतने अच्छे भाई, मेरी इतनी अच्छी बहनें, मे बेहोगी है ठीक रहो, मैं तो तारी टेम पर कोथड़ी पूछा करूंगा। सही बात है भाई, कोथड़ी हो पूछा किसके घड़ी है बेबे हो, ये बहू को नहीं तारी इस हार पड़े तारी बहू। सही बात इसमें क्या है रे बावड़े भाइयों, मेरा कहने का मतलब यह है रिश्तेदारी हम दूर इलाके में करते हैं, ये तो हमारे साथ पढ़ने वाली है, हम इन्हीं की इज्जत करेंगे, हमारी बहनों की और इज्जत करेगा, हमारे घर की बेटी दूसरे घर की बहू होती है, दूसरे घर की बहू दूसरे घर की बेटी हमारे घर की। हमारा तो जो इलाका है संस्कृति प्यार प्रेम और भाईचारा। साथियों, मैं आपसे कुछ बातें करने के लिए आया हूं। ये हो गया तरह के बुलडी पे पहनते क्या? हमारी शिक्षा और संस्कृति की बातें मैं करने के लिए आपके बीच आया हूँ। रेडियो के मार्फत आपको रोज किसानवाणी कार्यक्रम में आपसे मुलाकात करते हैं। साथियों, मैं पहला वो शख्स हूँ इस स्टेज के माध्यम से मैं आपको एक बात का गवाह बनना चाहता हूँ। आपकी धरती में पैदा होके मैं आपके बीच इस हमारा तो यूथ खारका यूथ फेस्टिवल है, पहला यूथ फेस्टिवल है जी, हमने इतना सौदा के लिए देखा था। हम तो उस इलाके के पैदा योड़ है, एक छत्तर की सार जाएगी छत्तर गांव सुनेंगे हम कहीं से बोल रहे हैं। उसने सन सिटी माल दिखा दिया, इस हार में बहुत बड़ी दुकान है, उसका खसम ने सन सिटी माल दिखा दिया। अरे बोला देखा तो ना कितनी बड़ी दुकान, वाले बोली गदी की दुकान है, मरमंडे तो रहे नहीं। खेती बाड़ी मखा सीमन की जीरी हो है, बोला सीमन की जीरी, बोला 50 साल पहला मैं तारा गांव में चले तुम आ था मखा, अच्छा बोला तारी छोरी ने बनड़ा के शेर है मैं चोला की जगह गुआर के दाने थके थे, हम मारू थे, हमारा तो पानी नहीं था, लेकिन शिक्षा संस्कृति और संस्कार अभी आने लग रहे हैं, हमारा विकास हो रहा है। सातवां राष्ट्रीय युवा उत्सव मैडम जी के सानिध्य में शहर में बड़ा अच्छा आयोजित हुआ, पूरी टीम ने भाग लिया, मैं भी 3-4 दिन घर नहीं गया, मेरी माँ मन तोड़ आ गई, और बहुत डाल की प्रस्तुति चलने लग रही थी, और एक छोरी न्यू गीत गाने लग रही, नुलाई छोरी है ऊपरी गान है, मैं बोला ऊपरी का कोई, ये शास्त्रीय विधान के अंतर्गत गीत गा रही है ना बेटा, इसके स्पोर्ट्स को चानन दिखा लो, रे बोला दिया पर सुम रही मगा मां के बात है, बोला बेटा तुमने कुछ मेरा परसू अपना पाटड़ा न्यू एलडा लड़ा के मैंने भी यूथ फेस्टिवल में भाग लिया, मैंने भी बहुत यूथ फेस्टिवल में भाग लिया है, और बड़े गौरव का विषय कि राजकीय महाविद्यालय हिसार का छात्र होते हुए राजकीय महाविद्यालय हिसार में 7 साल की कला प्रथम स्थान प्राप्त करा, मेरा पांडे ये की जा करती। एक बार सोनीपत के यूथ फेस्टिवल में चले गए, बहन जी आपका एरिया है थोड़ा, वो इलाका है जो गोशिया पलड़गेड़ के गुड़बता आग्रह है, सारी छोरी मैंने भाई कह दी, मेरा तू भी भाई है बरगा है, अरे ये कल की मारे 16-84 कोर्ट में भैया रखे हूँ। तो सारी चोरी मैंने भाई कह थी, एक सोनीपत की चोरी मेरा भाई साहब आइटम की थी वो रे है लगा सर तो भाई ना कब है बोला के बात मकान है मेरी बात भी होगी मैं बोले हैं
फिर मैं इतनी दूर की देखा के बहादुर जापे मेरे को कमांडर की शिकत लागे फूक फूक शेर शुरू का चक्कर हो अपनी छोटा करके शेर खा लगा।